Hello guys, good morning. This is Maggi Sir here, and today we are going to discuss about the motion. So first of all, we are going to this point that what is motion? Gati kya? सबसे पहला point. तो देखते हैं जब कोई car, जब कोई scooter, motorcycle वगैरह ये सब चलते हैं, तो आप इनमें एक चीज measure करते हैं कि time लगता है. अगर टाइम एक्वायर हो रहा है और पोजीशन उसकी चेंज हो रही है तो ही बॉडी, हम ये कहेंगे कि तो ही बॉडी मोशन में है. अदरवाइज आप जानते हैं कि जैसे टाइम तो पास हो ही रहा है, और अगर हम चेयर पर बैठे हुए हैं 11 o'clock पर, 12 and 1, ऐसे टाइम पास हो रहा है बट हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम किस पोजीशन पर होते हैं? हम रेस्ट पर होते हैं, विराम में होते हैं. ओके? और अगर मोशन पे होना है तो टाइम के साथ साथ हमारी पोजीशन चेंज होना बहुत जरूरी है. ओके? सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ कार एट पोजीशन ए एंड टाइम 11:30 AM एंड हियर 10 AM. यहाँ पर 10 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है. अब ये कार यहां पर आ गई बी पोजीशन पर, टाइम हो गया 11:45 और पोजीशन इसकी चेंज होकर हो गई 15 AM. फिर यही कार यहां पर आ गई सी पोजीशन पर, और ये मान लेते हैं कि 11:50 हो गया, और ये किलोमीटर का जो बोर्ड लगा है ये 17 AM. ओके? आप देख रहे हैं ये इसकी पोजीशन है. पोजीशन क्या हो रही है? पोजीशन चेंजिंग, बदल रही है. पोजीशन इज चेंजिंग एंड यहां पर टाइम ऑल्सो भी चेंज, टाइम भी चेंज हो रहा है. तो आप एक चीज ये देखिए, टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज होती गई, बदलती गई, मतलब पोजीशन बोले तो उसकी स्थिति, ये कोई कार है और कार डिफरेंट पोजीशन से पास होते हुए जा रही है, पहले ए पर है, फिर बी पर है, फिर सी पर है. यहाँ पर टाइमिंग 11:30, 11:45 और फिर 11:50 हो गई, लेकिन इसकी पोजीशन भी देखिए, पहले 10 AM पर थी, फिर 15 AM पर आई, फिर 17 AM पर आई. मींस क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन जो है वो क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है. समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदलती जा रही है, और अगर ऐसा है देन बॉडी विल बी इन द मोशन. तो वस्तु गतिमान है. ओके? और अगर ये टाइम तो चेंज होता बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो बॉडी किस पर होती? रेस्ट पर होती. देन बॉडी विल बी एट रेस्ट, तो वो वस्तु विराम में होती. ओके? तो फर्स्ट पॉइंट, इफ पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज द टाइम, अगर टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है देन बॉडी विल बी इन द मोशन. अगर किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ उसकी स्थिति भी बदल रही है तो वस्तु गतिमान होगी. सेकेंड पॉइंट, इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज द टाइम, टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही देन बॉडी विल बी
एट रेस्ट, तो वस्तु विराम में होगी। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द पोजीशन। हमने यहाँ पर बार बार ये वर्ड यूज किया है, पोजीशन, स्थिति। तो ये स्थिति क्या है? ओके, तो देखिए पोजीशन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू आर लेंथ। ये क्या है? लेंथ है, लंबाई है। और ये लेंथ टू टाइम में डिवाइड किया गया है, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं। ओके, तो पोजीशन स्थिति, लेंथ होती है, लेंथ बोले तो लंबाई, और ये लंबाई टू टाइप में होती है, एक तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ओके, अब दूरी जो होती है कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट होता है। जैसे आप अपने घर से स्कूल आए तो बीच में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते, गली, सड़क कैसे भी पड़े, आप घूमते फिरते टेढ़े मेढ़े आए, वो क्या हुई? अगर आप किसी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से आ रहे हैं तो आपको वो किलोमीटर जो था वो मेंटेन करेगा कि इतने किलोमीटर डिस्टेंस आप तय किए, कवर किए, लेंथ कवर किया, तो वो थी डिस्टेंस। लेकिन अगर आप स्कूल में आ गए और आपसे पूछ दिया जाए बेटा आपका घर किधर है, तो आप इशारा करके बताते हैं कि ये है या पीछे है या सामने है, तो आपका घर जिधर है उसी की तरफ आप इशारा करके बताते हैं। इसका मतलब आप वो क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, उसी की तरफ इशारा करके बताते हैं, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके,